भाई हम 14th Avenue पहुंच गए हैं एंड भाई काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। चलो दिखाता हूँ आपको मैं। भाई ये देखो तगड़ी भीड़ लगी है भाई यहाँ पर। ये देखो भीड़ अभी भाई ये सारे लोग बाहर आ रहे हैं एंड पानी दिख सकते हो, पानी फेंक रहे हैं। ये रहा पूरा काला काला हो रहा है यहाँ पर। बुझ गई है भाई अब आग तो मेरे ख्याल से लोगों ने बुझा दी है। देखो जहाँ मुझे कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी में भेजनी थी। ये देखो पूरा जल गया भाई। पुलिस भी है यहाँ पर खड़ी, कोई अनहोनी ना हो भाई। और कोई अभी पूरा देखो भाई जल गया है पूरा ऊपर तक। अब वो देखो भाई एसी का जो बाहर का यूनिट होता है ना वो फूका हुआ है। ये देखो तो उन्होंने ऊपर से पानी डाला भाई, और ऊपर से पानी डाला उन लोगों ने ना, तो इसलिए थोड़ी सी आग कंट्रोल हो गई है। तो भाई इससे सलाह ले सकते हैं बाकी लोग, इससे मतलब एक सीख ले सकते हैं कि भाई जो भी हो भाई बहुत तमीज़ से रहें, बिकॉज बहुत लोग सिगरेट फेंकते हैं, कुछ फेंकते हैं ऊपर से ना जल्दी ही सिगरेट फेंक देते हैं, कोई कुछ फेंक रहा है तो भाई देख के फेंकना चाहिए, बिकॉज आग कभी फैल सकती है। छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग बन सकती है। और ये देखो भाई कितने लोग घबराए हुए हैं यहाँ पर, इनको ये भी डर लग रहा है हमारे घरों में भाई ये सिचुएशन ना हो जाए कभी कहीं, बिकॉज गलती किसी और की है, भुगतता कोई और है ना ऐसी सिचुएशन में। वो पुलिस भी आ रही है भाई वहाँ पर खड़े। भाई फर्स्ट फ्लोर से आग शुरू हुई थी एंड ये ऊपर तक गई है भाई सेकंड थर्ड तक। तो भाई भीड़ देखो यहाँ, भीड़ का मंजर। फाइनली भाई आग बुझ गई है एंड भगवान करे किसी को भी कोई हानि ना हुई हो। ये भाई लोग ही भीगे हुए हैं पूरे गार्ड्स वार्ड्स, मेरे ख्याल से इनको भी इन्होंने बहुत कोशिश की होगी बुझाने की तभी। तो भाई लोग पुलिस के कोई अधिकारी भी आ गए हैं, ये देखे आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। ये ACP आ गए भाई यहाँ के, ग्रेटर नोएडा के ACP। बंदे को मैंने बुलाया और उसने तीन से जब उसके अंदर जब बाबू यह है कि अंदर नुकसान नहीं हुआ, जो भी नुकसान वाला बाल बालकनी में हुआ ये बहुत बड़े ऊपर वाले का और जान जान को नहीं हुआ, ये तो बड़ी बात है। तो भाई ये कंफर्म हो गया कि किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है एंड ये जो बालकनी तक ही रह गई आग, तो आप देख सकते हो जो बालकनी है साइड बालकनी है, मेन बालकनी भी नहीं है, तो वहाँ पर आग लगी है। भाई काफ़ी हलचल है लेकिन यहाँ पर पुलिस की और लोगों में भी, और यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं गौर्स के, तो ये भी जैसे भैया भी गौर के ही हैं। आपने देखा कि जैसे ही भाई तगड़ी आग लगी हुई थी बुझ गई है फाइनली, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है। तो भाई चलते हैं वापस घर की तरफ एंड आई होप बाकी लोग भी सबक सीखेंगे इससे। कुछ भी चीज़ ऊपर से ना फेंकी यार, जलने वाली है कुछ भी ऐसी चीज़ है ना जिससे नुकसान हो आगे जाके ऐसा कुछ। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गौर सिटी के जितने भी लोग हैं ऐसी न्यूज़ के लिए। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।